नमस्कार, मेन्यूज ऑफ महाराष्ट्र के स्पेशल कल्चरल करी सीरीज में सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। परसों क्या हुआ ना दर्शकों, रात को मैं अपना ड्रामा करके अपने घर आया और सो गया। भूखा ही सो गया था मैं। विश्वास नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन मैं भूख सो गया, बहुत ही थका हुआ था मैं, और इसलिए मुझे बहुत ही गाढ़ी नींद आ गई। और नींद में मैंने सुना शीश, मैंने भी कौन है। फिर मैंने आंखें खोली, मतलब दिल की आंखें खोली, लेकिन मैं सोया हुआ था। फिर सामने देखा तो क्या, पापा। अब पापा रहेंगे तो साथ में दुहा भी तो रहेगा ना। और जब चूहे मामा को ढूंढ रहा था मैं, तो साथ साथ में मैं मोदक भी ढूंढ रहा था। भूखा ही सोया था ना मैं, प्रॉब्लम ये थी। तभी पापा मेरे को बोले, क्या रे, क्या दिमाग खराब हो गया क्या तेरा। मैं बोला, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, क्या हुआ, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। वो बोले, अरे आज इधर अड़ोस पड़ोस में तुम लोग सब बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, पर अपने मराठी खानों का क्या हवाला है। मैंने मन ही मन में विचार किया, सोते सोते विचार किया कि बापा जो बोल रहे हैं वो बात तो सही है। किसी अपने पुराने पदार्थ पोहा कहाँ है, उसके बाद हमारा उपमा कहाँ है, ये सारे खाने ना हमारे दिल से ही निकल गए हैं। फिर मैंने बापा से पूछा, बापा अब करना क्या है। नथिंग डूइंग। नहीं, वो मराठी में बोले, वो कुछ नहीं, सभी महाराष्ट्रियन खाने मुझे फिर से देखने हैं, दिखाओ मुझे फिर से। हाँ, मैंने कहा ठीक है, अब क्या है कि भगवान ने बोला है तो सुनना तो पड़ेगा ना। देवता, देवता मतलब वो नहीं, देवता का सपना आया था तो सुनना तो पड़ा। तो मैंने सोच लिया, मैं और रानी ने और हम सब ने फैसला कर लिया कि स्पेशल डिशेस दिखानी है हमें महाराष्ट्र की। और जानते हैं, आज खास विदर्भ की डिशेस दिखाने के लिए एक मेहमान को हमने यहाँ बुलाया है, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका तहे दिल से स्वागत। आपका नाम? मैं सुजाता नागपुरे। सुजाता बहन, मुझे ये बताइए कि नागपुर में प्रॉपर आप कहाँ की रहने वाली हैं? नहीं, मैं प्रॉपर भंडारा से हूँ। भंडारा की। नागपुर में आपको कितने साल हो गए? लगभग 25 से 30 साल। 25 से 30 साल हो गए। मुझे बताइए आपका स्कूल कौन सा था? वैसे बचपन की पढ़ाई, मतलब 5वीं से 7वीं की पढ़ाई तो मैंने भंडारा में ही की, उसके बाद की सारी पढ़ाई मेरी नागपुर में ही हुई। मतलब प्राथमिक शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। आ ई ई उ ऊ। हाँ, भंडारा में हुआ। हाँ। और उसके बाद उससे आगे की शिक्षा के लिए आप नागपुर में आ गए? नागपुर में। ओके, आपके घर में और कौन कौन है? यहाँ घर में मेरे मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं और मेरी छोटी भांजी भी है। वाह शाबाश, भाई बहन क्या करते हैं? भाई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, छोटी बहन सिलवासा में स्कूल टीचर है और बड़ी बहन की शादी हो चुकी। और चार भतीजे भतीजी हैं, बहन का एक बेटा एक बेटी, भाई का एक बेटा एक बेटी। मतलब बहुत भीड़ है घर में, छोटे बच्चों की खूब मस्ती होती होगी। हाँ। और उन सब के आपको तरह तरह की डिशेस बनानी पड़ती होंगी और सबका टेस्ट भी अलग अलग। हाँ, हर एक की पसंद अलग अलग। माँ पिताजी रिटायर्ड? हाँ, माँ पिताजी रिटायर्ड है। और आप क्या करती हैं? मैं हॉबी क्लासेस लेती हूँ और एक बार मुझे कुकरी शो में फर्स्ट प्राइज भी मिला था। मतलब आपके हाथ में स्वाद खूब होगा, आज खाने का मजा आएगा। अच्छा एक बात बताइए, विदर्भ की डिशेस, वैसे सीधी सी बात तो ये है कि यहाँ भूख लगती है और आंखों के सामने वड़ा पाव। वैसे एक कॉमन आदमी जो है विदर्भ में, उसके लिए क्या मिलेगा? विदर्भ का खास व्यंजन है पोहा और चना ग्रेवी में, मतलब पतले वाली। अच्छा। ग्रेवी में पोहे के साथ हम लोग आलू वड़ा और पतले वाली ग्रेवी। अच्छा। में चना बनाते हैं। और ये सब जगह मिलता है? हाँ, ये कहीं पे भी मिलता और ये है। कहीं भी ठेले में जाएंगे तो ये पोहा और ये बाकी सब मिलेगा। हाँ।